एक बार पुनः मैं अमित कुमार श्रीवास्तव अपने इस चैनल जिसका नाम है दया मैथ्स एनालिसिस इस चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की इस वीडियो का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जिस क्लास के भी हों उनके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल है। तो प्लीज़ इसे आप 5 से 6 मिनट के लिए समय निकाल करके कंप्लीट देखें, और वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बगल नोटिफिकेशन मेल उसको भी ऑन कर दें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो जैसा कि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो कि दिया गया है कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है क्या। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि कुछ नंबर इतने बड़े होते हैं कि उन नंबरों को पढ़ना आसान नहीं होता है, तो उनके लिए जो मेथड अपनाई जाती है उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। अब उसको कैसे लिखना है, तो अगर आप किसी बड़े नंबर को अगर आप m इंटू 10^n के फॉर्मेट में लिखते हैं, ध्यान समझिए इस बात को, अगर आप किसी नंबर को m इंटू 10^n के फॉर्मेट में लिखेंगे तो यह जो प्रोसेस जो होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। अब इसमें आपको कुछ जानने वाली बातें जो ज़रूरी हैं वो जान लीजिए। इसमें m जो होना चाहिए एक डेसिमल का नंबर होना चाहिए, और यह डेसिमल नंबर जो m जो होगा या तो वन से क्या हो, ग्रेटर हो, ध्यान समझिएगा। यम जो डेसिमल नंबर जो आप लिख रहे हैं ये यम की वैल्यू जो होगी या तो वन से ग्रेटर हो या तो उसकी इक्वल हो जाए, लेकिन ये यम जो है ये 10 से क्या रहना चाहिए, छोटा होना चाहिए। फिर से आप समझ लीजिएगा कि यम जो लिख रहे हैं वो एक डेसिमल का नंबर हो, और ये डेसिमल नंबर का रिजल्ट या तो 1 के इक्वल हो जाए या तो ये 1 से क्या रहे, बड़ा रहे, लेकिन जब आप 10 से कंपैरिजन करेंगे तो ये 10 से छोटा ही होना चाहिए। और जो पावर n जो दिख रहा है, ये पावर n जो है ये दोनों हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या तो ये निगेटिव हो सकता है, यानी n की वैल्यू दोनों में से किसी एक में हो सकती है, लेकिन m का रिजल्ट हमेशा डेसिमल नंबर में रहेगा। अब इसको लिखने के लिए तरीका क्या है, जैसे कि पहला क्वेश्चन देख रहे हो कि 57.36 नंबर तो डेसिमल का नंबर है ही है, लेकिन ये डेसिमल नंबर का जो रिजल्ट जो लिखा गया है ये 10 से ग्रेटर है। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर हम डेसिमल नंबर को अगर हम यहाँ से, चूँकि ये देखो दो प्लेस के पहले लगा हुआ है, तो अगर हम इस डेसिमल नंबर को यहाँ लगा दें यानी 5.736 कर दें, तो ये जो डेसिमल नंबर जो होगा, अब इस डेसिमल नंबर का रिजल्ट 1 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा हो गया, लेकिन आपको ये देखना होगा कि ये जो डेसिमल नंबर है आपने कितने नंबर पहले शिफ्ट किया है, यानी कितने डेसिमल प्लेस पहले आपने इसे हटाया है। तो यहाँ पे आप देखो केवल आप एक प्लेस हटाए हो, और किधर रखे हो, दाएँ से बाएँ की डायरेक्शन में जा रहे हैं इस तरफ, तो केवल आप एक प्लेस के, तो एक प्लेस के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यहाँ पे 10^1 लिख देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट आपका यही आएगा। अब हम बात करते हैं इस दूसरे क्वेश्चन के बारे में, तो ये जो दूसरा नंबर जो लिखा गया है तो ये बड़ा नंबर, लेकिन ये नंबर डेसिमल के फॉर्मेट में नहीं लिखा गया है, आप देख सकते हो इसमें कहीं डेसिमल तो लगा नहीं है। तो इसके लिए करना क्या होगा कि अब ये जो नंबर है, ये नंबर तो 10 से बहुत बड़ा है ना, इसको डेसिमल में लिखना चाहिए, तो अगर हम डेसिमल में लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं क्या, 3.5 तो हमने लिख दिया, लेकिन अब देखो कि अगर हम डेसिमल यहाँ लगाते हैं तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि भाई डेसिमल कितने नंबर पहले आप लगा रहे हैं, और ये इसकी गिनती जो है दाएं से बाएं की ओर गिनिएगा। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी आप 6 नंबर पहले लगा रहे हैं, इसीलिए इसको लिख सकते हैं 3.5 × 10^6। अब ये देखो ये जो m है एक डेसिमल का नंबर है, 10 से छोटा भी है, और यहाँ देखो जो पावर जो दिख रहा है वो पॉजिटिव वैल्यू है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो पहला और दूसरा जो एग्जांपल मैंने आपको जो समझाया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये चीज़ इसको आप एज ए होमवर्क में आप ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि आप सीख पाए कि नहीं सीख पाए। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जैसे मान लो कि अगर ये नंबर ले रहा हूँ मैं, ये नंबर भी बहुत बड़ी है, ठीक है, तो अब इसमें भी देखो कि ये नंबर जो है 10 से क्या है, बड़ा है, और डेसिमल में तो लिखा नहीं गया है, तो अगर आप इसको 1.68 लिखते हैं तो सबसे पहले आप देख लो कि अभी 1.68 लिखा तो वैल्यू क्या हो गई, डेसिमल में तो है 1 से बड़ी है बट 10 से छोटी है, लेकिन अभी आपको 10^n की फॉर्मेट भी तो लिखना भी तो है। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको डेसिमल गिन के लगाना होगा, पहले आप देख लो कि कितने नंबर पहले आप लगा रहे हो। तो यहाँ देखो
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी आपने 8 नंबर पहले गिन के लगाया है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 10 का पावर 8 कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू भी सबसे बहुत बड़ी वैल्यूज़ है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये नंबर जो है 10 से बहुत बड़ा है, तो अगर आप इसको 4.63 लिख दें तो अब ये वैल्यू इसके कंपेरिजन में तो बहुत छोटी हो गई, लेकिन अब ये डेसिमल आपने इसमें तो डेसिमल नहीं लिया था, लेकिन इसमें आपने डेसिमल आपने लगाया है, तो आपको ये देखना है कि भाई डेसिमल कितने नंबर पहले लगाया है। तो इसके लिए आपको ये गिन लीजिए कि कितने नंबर पहले लगा रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी आप 12 नंबर पहले गिन के लगाएंगे। तो जब 12 नंबर पहले गिन के लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, 10 का पावर आप 12 कर देंगे इस तरीके से। अब जो आखिरी जो क्वेश्चन बचा है, अब यहाँ देखो लिखा गया है 345 × 10^5 लिखा हुआ है, तो ये जो 345 लिखा गया है ये नंबर जो है डेसिमल में है नहीं, और दूसरी चीज़ इसकी वैल्यू जो है 10 से बहुत बड़ी है। तो अगर हम इसको 3.45 लिखते हैं तो आपको ये देखना होगा कि ये डेसिमल कितने नंबर पहले लगेगा। तो यहाँ से अगर इधर से गिनेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 नंबर पहले आपने लगाया, तो इसको आप क्या करेंगे, 10 का पावर 2 लिख दीजिए, और यहाँ 10 का पावर 5 तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी होगी कि जब a का पावर m इंटू a का पावर n करते हैं तो पावर को जोड़ लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप इनके पावर को जोड़ लेंगे, इन दोनों के पावर को, तो 3.45 इंटू और यहाँ पे 2+5 को जब जोड़ दोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा 3.45 इंटू 10^7। तो आपको इस वीडियोज़ का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।